नमस्कार, स्वागत आप सभी का खबर असरदार। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ में जनजातीय महासभा को आज संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि चुनाव प्रचार के शंखनाद के लिए नहीं बल्कि जनता का आभार जताने के लिए आए हैं। उन्होंने आदिवासियों को देश का गौरव बताया और भरोसा दिया कि उनके सपने पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि ये मोदी का संकल्प है। प्रधानमंत्री ने 7,300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिरकत की। हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर उराव जी आदिवासी समाज का जैकेट देकर हमारा आदिवासी साफा पहना रहे, स्वागत करें। बोलो भारत माता की। वहीं झाबुआ में पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट का नया फॉर्मूला दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार हर बूथ पर अगर 370 वोट ज्यादा मिलेंगे तो 370 सीटें मिलना पक्का हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। करेंगे, यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। लाएंगे, हिसाब किताब करेंगे, एक एक मतदाता की सूची बनाएंगे, सरकार के काम उसको बताएंगे, उसने कौन कौन सी योजना का लाभ उसके घर तक पहुंचा है ये बताएंगे उसको, और जिसको अभी पहुंचा नहीं है उसको विश्वास देंगे कि मोदी जी फिर से आकर के काम पूरा करेंगे। बताओगे, अब एक पोलिंग बूथ में अगर आप नए 370 वोट 370 वोट अपने गुजराती में 370 कहिए ने, हाँ 370 वोट अतिरिक्त होने चाहिए। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का करेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ से एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा भी दिया। इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं, 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला देखने को मिला है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी और उन्होंने कहा है कि अब 2024 में कांग्रेस का सफाया तय है। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है और लूट और फूट कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन है। क्या कुछ कहा सुनवाते? सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी मची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हश्र होता है। कांग्रेस अब अपने पापों के दल दल में फंस चुकी है। वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करेगी उतना ही और धंसेगी। अपनी हार सामने देखकर कांग्रेस और उसके साथी अब अपने आखिरी दांव पेच इस्तेमाल करने में लग गए हैं। कांग्रेस और उसके दोस्तों की दो ही ताकत है, जब ये सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं, जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो लोगों को लड़वाते हैं। यानी लूट और फूट
यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। इनको बंद करते ही कांग्रेस पार्टी का सियासी दम टूटने लग जाता है। इधर एमपी कांग्रेस के कई नेताओं को आयकर विभाग ने नोटिस थमा दिया है। पिछले 7 साल के लेन देन की जानकारी भी इनसे मांग ली गई है, जिसमें भिंड लोकसभा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया को यह नोटिस दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक हैं विक्रांत भूरिया, इनको भी नोटिस दिया गया है। 2019 का चुनाव लड़ने वाले कई नेताओं को भी नोटिस दिया गया है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को यह नोटिस थमा दिया गया है आयकर विभाग की तरफ से। और इधर आयकर विभाग की तरफ से जो नोटिस दिया गया है, इस पर देवाशीष जरारिया जो हैं वो बरसे हैं और केंद्र पर उन्होंने परेशान करने के आरोप लगाए हैं। विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है केंद्र की तरफ से, और हम इस समन से कोई डरने वाले नहीं हैं, ये देवाशीष जरारिया ने कहा। और कहा, दरअसल आपको बता दें कि देवाशीष जरारिया को आयकर विभाग की तरफ से 13 फरवरी को तलब किया गया है। इस बार लोकसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं और संभावित प्रत्याशियों की सूची में मेरा भिंडतिया से नाम है। ऐसे में मुझे परेशान करने के लिए इस तरीके का समन दिया गया है। 13 तारीख को शाम को 5 बजे सभी दस्तावेज जो मुझसे मंगाए गए हैं वो लेकर मैं आईटी के सामने समक्ष, जो उनके अधिकारी जिन्होंने बुलाया है उनके समक्ष उपस्थित होऊंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को ये बता देना चाहता हूं कि हम इस सब हरकतों से आप ही डरने वाले नहीं है, हम आपके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ से राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा आज कर दी गई। राजा देवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बना दिए गए हैं। एक सीट दरअसल खाली हुई है, खाली होने जा रही है, और इसीलिए उम्मीदवार राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को बना दिया गया। महाराजा चक्रधर सिंह के ये प्रपौत्र हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, और सीएम साय के करीबी भी ये माने जाते हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह जो हैं राज्यसभा की एक सीट जो 2 अप्रैल को खाली हो रही है उसके लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। मौजूदा राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की यह सीट है जो खाली होने जा रही है, और सरोज पांडे के ऊपर दोबारा भरोसा पार्टी ने नहीं जताया। उनका टिकट कह सकते हैं कि कट गया और उनकी जगह अब देवेंद्र को एंट्री मिल गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी को, और पूरे संगठन के, हमारे प्रदेश के सभी संगठन के लोगों को धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे राज्यसभा में भेज रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद देता हूं। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट है, और उसके पहले बिहार में सियासी हलचल तेज है। सभी दल अपने अपने विधायकों को सहेजने में लग गए हैं। 11 फरवरी को पूरे दिन पटना से गया तक और हैदराबाद से पटना तक हलचल होती रही। आइए रविवार को पटना में पूरे दिन चली सियासी हलचल को आपको भी दिखाते हैं। बारह फरवरी यानी नीतीश कुमार की नई सरकार के विश्वास मत की तारीख। विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया के शुरू होने में अब भी चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन बिहार की सियासत में हलचल तेज है। कोई चुनौती दे रहा है तो कोई ऑन द फ्लोर चमक दिखाने का दावा कर रहा है। कई दिनों से अपने अपने विधायकों को सहेजने में जुटे राजनीतिक दलों के लिए 11 फरवरी को पटना सियासत का केंद्र रहा। मंत्री विजय चौधरी के घर पर जेडीयू विधायकों का महाभोज हुआ। इक्का दुक्का विधायकों को छोड़ दिया जाए तो शालिनी मिश्रा जैसे विधायक भी समय पर भोज में पहुंच गईं, जिनके इधर उधर होने की अटकलें लगाई जा रही थी। नेतृत्व को पता था और भोज में नहीं आई, तब भी नेतृत्व का एक बार भी फोन नहीं आया कि आप क्यों नहीं आए। आप पत्रकार बंधुओं का इतना प्यार दुलार मेरे प्रति है कि सबका फोन आता रहा। विधानसभा में क्या होगा कल? 1000% वी आर गोइंग टू विन एंड वी आर गोइंग टू अचीव विक्ट्री। विक्ट्री साइन पहले ही लिख। विजय चौधरी के आवास पर हुए भोज में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में विधायकों को भरोसा दिलाया कि आसानी से बहुमत पा लेंगे,
चिंता की कोई बात नहीं है कि हम आश्वस्त हैं कि हमारा बहुमत है। हमारे लगभग सारे विधायक उपस्थित थे, जो दो तीन विधायक नहीं थे वो पार्टी के पदाधिकारियों की इजाजत से वो नहीं थे। जेडीयू की तरफ से जहां दो दिन से विधायकों को भोज दिया जा रहा है, तो वहीं आरजेडी के विधायक पहले से तेजस्वी यादव के आवास पर हैं, जहां हर तरह के खाने पीने और आराम की व्यवस्था है। विधायकों को बाहर निकलने की आजादी तो शायद नहीं है, लेकिन सांसद और एमएलसी बीच बीच में बाहर जरूर आते हैं और बयानों के जरिए सियासी माहौल को गर्मा कर एक बार फिर अंदर चले जाते हैं। स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। टूट के डर से कई दिनों तक दक्षिण भारत के टूर पर रहे कांग्रेस के विधायक भी सोमवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट के पहले रविवार को पटना लौट आए। वहीं दो दिन के प्रशिक्षण के बाद बीजेपी के विधायक भी गया से पटना लौटे। बीजेपी के नेताओं का साफ साफ कहना है कि एनडीए के विधायक एकजुट हैं। सोमवार को एनडीए की सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा, वो अपना घर देखें, अपना घर बचाए, कल एनडीए बहुमत हासिल करेगी। 12 को होने वाले फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले बिहार में सियासी हलचल तेज रही और राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने दावे किए गए। फिलहाल नीतीश की एनडीए सरकार के साथ 128 विधायकों का समर्थन दिख रहा है, लेकिन सबकी निगाहें 12 तारीख को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जिन्होंने छात्र जीवन से कांग्रेस के साथ सियासी सफर की शुरुआत की, अब उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया, वो भी इसीलिए क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम इन दिनों राम के रंग में नजर आ रहे थे। पार्टी से बाहर निकाले जाने पर प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगा डाले। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या हुआ? सनातन विरोधियों का चेहरा बाहर आ गया। अखिलेश यादव के चेहरे से हिंदुत्व का नकाब उठ गया। राहुल गांधी पर इच्छाधारी हिंदू होने का टैग लग गया और विपक्ष में जो इक्का दुक्का राम भक्त बचे उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम है जिन्होंने छात्र जीवन से कांग्रेस के साथ सियासी सफर की शुरुआत की। अब इन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है। इन पर कांग्रेस की तरफ से इल्जाम भी लगाए गए। कृष्णम पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा है। कृष्णम पर पार्टी विरोधी टिप्पणी का आरोप लगा है। 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन जो आरोप कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम पर लगे हैं, उसकी सच्चाई बस इतनी है कि वो कांग्रेस के राम विरोधी चेहरे को देश के सामने रख रहे थे। उन्होंने पार्टी से निष्कासन पर अपनी बात भी रखी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए, उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से, तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला? क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? इतना ही नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी से लेकर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया क्योंकि कांग्रेस राम और सनातन विरोधी है। बहुत बड़ा बोझ था सिर पर कि मैं उस पार्टी के साथ खड़ा हूँ, उस पार्टी में हूँ जो पार्टी राम का विरोध करती है, जो पार्टी सनातन को मिटाना चाहती है, राम के नाम लेने से चिढ़ती है, जो पार्टी हिंदुओं से चिढ़ती है,
जो पार्टी में ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं। तो मैं सोचता था कि आखिर मैं इस पार्टी में क्यों हूँ, लेकिन मैंने छात्र जीवन में जब मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी से मिला था तो उन्हें वचन दिया था कि मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। बेशक प्रबोध कृष्णम को फैसले लेने में देरी हुई, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि अब वो कभी कांग्रेस की चौखट पर नहीं जाएंगे। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि प्रबोध कृष्णम जल्द ही बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 19 फरवरी तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हरदा पटाखा फैक्ट्री मामले में दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने मांग कर डाली है कि इस पूरे घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए, हादसे को रोकने के लिए पॉलिसी बननी चाहिए, ये भी दिग्विजय सिंह ने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कमल पटेल पर निशाना साधा है और कहा है कि उनके चलते उनके रहते कैसे यह अवैध फैक्ट्री चलती रही, ये भी उन्होंने सवाल किया। प्रशासन की खामियां कहां कहां पर रही हैं, इसके लिए न्यायिक जांच होना चाहिए और उसको 6 महीने के अंदर रिपोर्ट आनी चाहिए। उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी इस प्रकार के हों जिससे कि किन कारणों से यह हादसा हुआ और क्या आगे पॉलिसी होना चाहिए, ये 6 महीने के अंदर रिपोर्ट आए, इस तरह की कोशिश होना चाहिए। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को निष्कासित किए जाने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भारत को बैंकरप्ट करने की थी, लेकिन अब वो खुद ही बैंकरप्ट हो चुके हैं। उनकी न कोई सोच है और न ही कोई विचारधारा या नीति है। कांग्रेस पार्टी अब पूर्ण रूप से जिस पार्टी की सोच विचारधारा थी भारत को बैंकरप्ट करने के लिए, अब वो स्वतः ही बैंकरप्ट हो चुकी है। ना कोई सोच है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, केवल स्वतः की सोच है। और जो पार्टी भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को नकारेगी, उसे पूर्ण देश की जनता आने वाले दिनों में जिस तरीके से 10 साल में नकारा है, वैसे ही आने वाले दिनों में नकारेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिंहपुर के दौरे पर मंत्री प्रहलाद पटेल थे, जहां पर उन्होंने गांव चलो अभियान में शिरकत की है। बढ़िया खेड़ा गांव में स्वास्थ्य केंद्र का उनके द्वारा लोकार्पण भी किया गया। लोकसभा में सभी 29 की 29 सीटें जीतने, मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीटें जीतने का उन्होंने दावा भी किया। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल नर्मदापुरम, होशंगाबाद और नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र के क्लस्टर बैठक में शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के पदाधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति तैयार की गई। तैयारियों के संबंध में बृहद चर्चा हुई है। मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ा है और एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पोखरण फायरिंग रेंज में एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाएगा, इसके लिए देश के अलग अलग 5 एयरबेस पर तैयारियां चल रही हैं। आसमान देगा हिंद के शौर्य का प्रमाण। अब गरजेंगे वायुसेना के लड़ाकू विमान। जैसलमेर में दिखेगा भारत का दमखम। चीन की बत्ती गुल, टेंशन में पाकिस्तान। राजस्थान के रण जैसलमेर में भारतीय वायुसेना एशिया की सबसे बड़ी सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय वायुसेना के पराक्रम का अद्भुत रूप दिखने वाला है।
शत्रु के हर धोखे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा से कुछ ही दूरी पर मरुभूमि के आसमान पर सेना के जांबाज बेहद कड़े युद्धाभ्यास की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दरअसल 17 फरवरी को पोकरण फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति युद्ध अभ्यास होना है, जिसे लेकर एयरबेस पर 121 एयरक्राफ्ट पहुंच चुके हैं। जोधपुर एयरबेस पर सुखोई 30 और राफेल की तैनाती की गई है। यहां दोनों एयरक्राफ्ट के साथ तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी एयरबेस पर सुखोई और राफेल के साथ लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। इस वार एक्सरसाइज में फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर के साथ साथ मिसाइलें भी अपनी ताकत और मारक क्षमता का दमखम दिखाएंगी और वायुसेना के योद्धा जमीन से लेकर आसमान तक अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। इस युद्ध अभ्यास में दुश्मनों से निपटने के लिए लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आतंकवादियों के ठिकानों पर अटैकिंग मोड का लाइव डेमो भी देंगे। 500 एयरक्राफ्ट भारी गोला बारूद और मिसाइलों के साथ हमले का अभ्यास करेंगे। इस वॉर एक्सरसाइज में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जैगुआर, हॉक, C-130J, हरक्यूलिस, तेजस जैसे ताकतवर विमान और चिनूक, अपाचे और MI-17, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी अपना दमखम दिखाएंगे। वायुसेना की इस एक्सरसाइज में करीब 15,000 एयर वॉरियर्स हिस्सा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुखोई MKI कारपेट बम से लैस होकर जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरेगा। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की बत्ती कुल है और 17 फरवरी को होने वाले इस युद्धाभ्यास से दोनों पड़ोसी मुल्कों में टेंशन का माहौल है। न्यूज 18 के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट।